28 सितंबर को इंटरनेशनल राइट टू नो डे बनाया जाता है और इस साल की जो थीम है वो है सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग होप्स। इस सिलसिले में हमारे साथ आज स्टूडियो में गेस्ट मंजूर हैं। सबसे पहले मैं मुतारिफ करवाना चाहूंगी हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो है आमिर एजाज साहब, जिनका ताल्लुक CPDI से है और ये सरबरा बजट स्टडी सेंटर है। देन हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मंजूर साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं CPDI से, इनका ताल्लुक है अगेन। और हमारे साथ मौजूद हैं मोनस कायनात जहरा साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं CPDI से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मालूमात तक रसाई के आलमी दिन से क्या मुराद है, यानी राइट टू नो, इससे क्या मुराद है? राइट टू नो बड़े सादा लफ्जों में इसका मतलब यह है कि जितनी भी हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, भले वो फाइल की सूरत में हो, भले वो किसी सॉफ्ट फॉर्म में हो, तो हर इंफॉर्मेशन का हर पेज और इंफॉर्मेशन का हर जो MB है वो एक्चुअली उसका जो ऑनर है वो सिटीजन्स हैं। गवर्नमेंट ऑफिशल या पब्लिक बॉडीज जो होती हैं वो उस इंफॉर्मेशन की खाली कस्टडियन होती हैं। तो जब ऑनर जो हैं वो सिटीज़न हैं, तो सिटीज़न के पास ये हक है कि वो ये मालूमात किसी वक्त भी ले सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में जो कि उनको सूट करता है वो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और पब्लिक बॉडीज़ जो हैं वो बाउंड हैं वो इन्फॉर्मेशन सिटीज़न के साथ शेयर करने में। तो पूरी दुनिया में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन डे जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं और ये याद किया जाता है और इस कमिटमेंट को दोहराया जाता है सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और गवर्नमेंट के अदारों की तरफ से भी कि ये जो इन्फॉर्मेशन जब भी सिटीज़न मांगेंगे तो गवर्नमेंट अदारे जो हैं वो हाज़र हैं, उसी वक्त वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। ऑल्दो इसमें थोड़ी एग्जेम्पशंस हैं जिस पर आगे चल के बात होगी भी, लेकिन सादा लफ्ज़ों में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सादा लफ्ज़ों में इससे मुराद यही है, चूँकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टैक्स पेयर्स के बारे में है, तो टैक्स पेयर्स जो हैं यानी पब्लिक जो है सिटीज़न जो हैं उनको ये इख्तियार है कि वो जब भी इंफॉर्मेशन ये चाहेंगे वो रिट्रीव कर सकते हैं सरकारी इदारों से। अच्छा आमिर साहब, ये इस दिन का खास ऐलान क्यों किया गया है? ये पिछले कोई एक डेढ़ अशरे से जो है वो यूनेस्को के तआवुन से ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक कमिटमेंट है लोगों को याद रहे, सिटीजन्स को भी याद रहे कि हमारा ये हक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये इंक्लूडेड है 19A है, 18th अमेंडमेंट जो हुई थी 2010 में उसके तहत ये आर्टिकल इंक्लूड कर लिया गया था। तो फंडामेंटल राइट है ये हर शहरी का, और इसी तरह से बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं, इस वक्त तकरीबन 127 ममालिक हैं जहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन का जो लॉ है वो किसी न किसी सूरत में मौजूद है। तो ये एक कमिटमेंट होती है शहरियों की तरफ से भी, शहरियों को ये इत्मीनान भी होता है और ये बताया भी जाता है कि गवर्नमेंट के पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो आप की हैं और आप जब चाहें उसको ले लें, और यह कमिटमेंट एक सरकारी इदारों की तरफ से भी होती है और कमिटमेंट जो सरकारी इदारों में जो ओवरसाइट बॉडीज बैठी होती हैं उनकी तरफ से भी होती है कि जब भी सिटीजन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम सब मौजूद हैं, वो सिटीजन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हमारे साथ मौजूद मोनस कायनात जहरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी, ठीक है, जैसा सहाफी है, वकील, सरकारी अफसर वगैरह के लिए मालूमात का क्या हक है? सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है, और जो मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए वो ये है कि क्या ये सब तमाम जितने भी शहरियों के लिए है? जी थैंक यू ज़ारा। सबसे पहले तो ऐसा है कि जैसे आमिर साहब ने भी जिक्र किया कि ये तमाम शहरियों का हक है, मालूमात तक रसाई एक ऐसा हक है जो तमाम शहरियों को दिया जाता है, एंड इट इज़ बियॉन्ड देयर प्रोफेशन, वो किस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जेंडर क्या है, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी हक है जो तमाम शहरियों को इक्वली दिया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कंटेक्स में बात करें तो हमारा जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे बात करता है। उसमें डिफरेंट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स डिस्कस हो रहे होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है या राइट टू मूवमेंट है या राइट टू असेंबली है। इसी तरह से वो पूरा एक चैप्टर जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। उसमें अगर आप एक आर्टिकल 19 देखें, आर्टिकल 19A, तो दैट पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट